हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट किचन राजस्थानी में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे घर पर बर्गर, जिसके लिए हमने उबले हुए आलू को मैश किया है, एक पत्ता गोभी, दो टमाटर, दो प्याज, एक कटा हुआ प्याज, एक चम्मच लहसुन, हरा धनिया, एक शिमला मिर्च, एक खीरा और दो चीज की स्लाइस और बर्गर। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालते हैं और गर्म करते हैं। लीजिए, हमारा तेल गरम हो चुका है। इसमें डालते हैं आधी चम्मच जीरा, प्याज डालते हैं और लहसुन का पेस्ट कर दिया डाल देते हैं। जो शिमला मिर्च लिया था कटा हुआ, वो भी इसमें डालते हैं। इसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालते हैं, स्वाद के अनुसार नमक, एक चम्मच धनिया पाउडर डालते हैं और एक चम्मच अमचूर पाउडर डालते हैं। आलू जो मैश करके रखे थे इसको डाल देते हैं, मिक्स करते हैं। आलू मैश हो चुके हैं, अब इसमें हरा धनिया डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। हमारा मसाला बन चुका है। अब इस गैस को बंद करके इसको 10 मिनट के लिए हवा में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। लीजिए, हमारा मसाला ठंडा हो चुका, अब इनको टिक्की की शेप देते हैं। ऐसे ही करके सारी को टिक्की की शेप दे देनी है सारे मसाले को। लीजिए, हमने सारे टिक्की को शेप दे दिया है। अब एक बड़े बाउल में दो चम्मच कॉर्नफ्लोर डालते हैं और पानी डालकर इसको मिक्स करते हैं। लीजिए, हो चुका है मिक्स। इसको एकदम गाढ़ा नहीं रखना है, पतला सा ही रखना है। लीजिए, हमने कॉर्नफ्लोर को घोल लिया है। अब गैस पर तवा रखते हैं और इसमें तेल डालते हैं। हमने टिक्की को डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करेंगे। तेल गर्म होने देंगे। लीजिए, हमारा तेल हो चुका है गर्म। अब एक टिक्की को उठाएंगे और हरा रोट का जो कॉर्नफ्लोर का घोल है उसमें डालेंगे और तवे पर रख देंगे। हम एक एक करके ऐसी सारी टिक्कियों को रख देना है। हमारी टिक्कियां एक तरफ से सूख चुकी है, अब इसको दूसरी तरफ से पलट देते हैं। ऐसे करके पलट पलट कर सेक लेना है अच्छे से इनको। लीजिए, हमारी टिक्कियां हो चुकी है सैलो फ्राई। अब इसको एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। अब एक तवे पर फिर से घी डालना है या तेल डालना है। हमने सरसों का तेल डाला है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। जो बर्गर ब्रेड लिया था उसको आपस में बीच में से कट करना है।
अब हमने उसी तवे पर फिर से तेल डाला है दोबारा से। अब ये बर्गर ब्रेड है उसको बीच में से कट करते हैं। और इसको भी सेक लेते हैं इस तेल में रखकर। इसी तरह दूसरी ब्रेड को भी सेक लेंगे। लीजिए हमारी बर्गर सिक चुके हैं, अब इनको निकालते हैं बाहर। मेयोनीज लगाएंगे सबसे पहले। बर्गर के दोनों तरफ लगानी है तो और खाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा लगेगी। तो अब इसके ऊपर डालते हैं टमाटो केचप। और चम्मच से लगा लेते हैं चारों तरफ। अब इसमें पत्ता गोभी के पत्ते रखते हैं। खीरा टमाटर ने काट के लिए थे वो रखेंगे। खीरे को पतला पतला काटना ताकि खाते वक्त निकले नहीं है। टमाटर की स्लाइस डालनी है। प्याज को डालना है। आलू टिकिया रखते हैं जो आपने बनाई थी। ऊपर से डालते थे इसमें चीज। अब इनको रखते हैं सर्विंग प्लेट में। है ना एकदम टेस्टी सी होममेड बर्गर की रेसिपी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।